संगम नगरी के यश दयाल के प्रदर्शन से समर्थक मायूस, मां ने नहीं खाया पिता ने कही ये बात। आईपीएल 2023 का 13वां मैच संगम नगरी के लिए खुशियां समेटने वाला मैच साबित हुआ। इस मैच में जहां हर तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह के 5 छक्कों की चर्चा हो रही थी, वहीं संगम नगरी में उदासी छाई रही। वजह साफ थी, गुजरात टाइटन्स के जिस गेंदबाज पर 5 छक्के जड़े गए वह संगम नगरी का लाल यश दयाल था। यश के इस प्रदर्शन के बाद जहां उसकी मां की हालत बिगड़ गई, वहीं पिता जो खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं वह सदमे में दिल थाम कर बोले, बेटा शेर है फिर दहाड़ेगा। आखिरी ओवर में यश के खिलाफ लगे 5 छक्के ने न सिर्फ उसके परिवार में मायूसी माहौल बनाया बल्कि संगम नगरी के तमाम क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरे पर भी उदासी फैला दी। यश के पिता चंद्रपाल दयाल ने कहा कि यह एक बहुत बुरा सपना था जिसे देख पाना बेहद मुश्किल था। हालांकि वह खुद खिलाड़ी रहे हैं तो अच्छे बुरे दिनों का उन्हें बखूबी अंदाजा है। यश दयाल ने हमेशा अपनी मेहनत और मजबूती के चलते सफलता को छुआ है, वह सफलता से और मजबूत बनकर उभरेगा, वह शेर है फिर से दहाड़ेगा। आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ 6वीं गेंद पर जैसे ही 5वां छक्का लगा यश दयाल की आंखों में आंसू छलक पड़े। यश के आंसू ने प्रयागराज की धरती तक लोगों को भावुक बना दिया। पिता चंद्रपाल ने कहा कि उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का देखा तो फौरन टीवी बंद कर दी, उनकी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह बेटे का उदास चेहरा। हालांकि कुछ घंटे के बाद यश से बात हुई तो उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, कहा तुम भारत का भविष्य हो, उठो और अगले मैच की तैयारी करो। इस तरह के छक्के लगने से किसी का करियर थम नहीं जाता है, कई खिलाड़ी इस लम्हे से गुजर कर स्टार गेंदबाज बने हैं। चंद्रपाल ने कहा कि वह भले यश के पास मौजूद नहीं है लेकिन टीम के सदस्य जिस तरह से यश के साथ खड़े हैं और उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं इससे उन्हें महसूस होता है कि गुजरात टाइटन्स एक टीम ना होकर एक अभिभावक की तरह है। चंद्रपाल दयाल बताते हैं कि मैच के दौरान यश को चोट भी लगी थी, उसके दोनों घुटने छिले हुए थे लेकिन वह अपने आप को साबित करना चाहता था। चोट के बावजूद यश ने गेंदबाजी की, शायद ये भी एक वजह रही हो। हालांकि वह फिर से वापसी करेगा और अपनी गेंदबाजी से सबको जवाब देगा। सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट के प्रशंसक यश के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, खुद रिंकू ने यश का हौसला बढ़ाया है। संगम नगरी के क्रिकेट के जानकार खुर्शीद राय ने लिखा कि जिस वक्त अंतिम ओवर चल रहा था उस वक्त पूरे ओवर के दौरान यश के पास कोई भी सीनियर गेंदबाज नहीं आया। 4थी गेंद पर कप्तान राशिद खान व जयंत और 5वीं गेंद के बाद वगैरह यश से बात करते दिखे। ऐसे मौके पर समी या जोसेफ को आगे बढ़कर यश को गेंदबाजी के टिप्स देने थे और हौसला बढ़ाना था, सिर्फ एक गेंद ही जीत के लिए काफी थी। पिता चंद्रपाल ने बताया कि वे अगले मैच में यश का हौसला बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यश उन्हें देखेगा तो और मजबूत होगा। वहीं माँ राधा दयाल और बहन सूची दयाल पूजा अर्चना कर यश के लिए प्रार्थनाएं करेंगी। माँ और बहन लगातार यश से बात कर उसके हौसले को बढ़ा रही हैं।